हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप HTML यूज करके कैलकुलेटर ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं आप HTML के कोड से। तो उसके लिए सिंपली आपको अपने लैपटॉप में, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप अपने सिंपल किसी भी फ़ोन में नोट पैड प्लस प्लस एक ऐप को डाउनलोड करेंगे, जो कि प्ले स्टोर में या ऐसे भी आपको ऑनलाइन गूगल पे भी मिल जाएगा। नोट पैड प्लस प्लस वैसे भी लैपटॉप में बाई डिफ़ॉल्ट होते हैं, ऑफिस का एक प्रोडक्ट है। तो आपको अगर आपके लैपटॉप में पहले से इंस्टॉल्ड है तो आप उसे ओपन करके वहाँ पे भी एक कैलकुलेटर ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि कैलकुलेटर बना सकते हैं यूजिंग HTML कोड। ओके, तो मैं ये नोट पैड प्लस प्लस जो मेरा ऐप है, मैं उसे ओपन कर ली हूँ। ओपन करने के बाद देखेंगे आपकी, जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे, नोट पैड प्लस प्लस को, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है न्यू फाइल। तो इस न्यू फाइल पे आपको ओपन करना है, और जैसे कि हम लोग अभी जा रहे हैं कैलकुलेटर बनाने HTML कोड से, तो हम फाइल का नाम देंगे CLCU कैलकुलेट, ठीक है, calculate.html। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है ना कि जब हम कोई भी HTML फाइल बनाते हैं ना, या HTML कोड लिखने के लिए कोई भी अगर हमें फाइल की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका एक्सटेंशन मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि कैलकुलेट जो हमारा फाइल बनेगा ना, वो .html में होना चाहिए, तभी हम इसे एज अ ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने फाइल का नाम calculate.html दे करके सेव बटन पे क्लिक कर दूंगी। ओके, तो देखिए calculate.html हमारा फाइल ओपन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी एक कोड है कैलकुलेटर का, यहाँ पे मैं लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं ये कोड आपको यहाँ पे पेस्ट करके दिखाती हूँ। ये कोड सिंपली अगर आप चाहें तो इस कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने नोटपैड, किसी भी नोटपैड प्लस प्लस एडिटर में। ठीक है, अब वहाँ से आप इसे रन कर सकते हैं एकदम जैसा कि मेरे यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, जैसे कैलकुलेटर जो डिज़ाइन हुआ है और फंक्शन वाइज काम कर रहा है, आपके भी लैपटॉप या कंप्यूटर में सेम इसी तरीके से काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे इस फाइल में कोड पेस्ट करने के बाद या लिखने के बाद सिंपली आपको इस कोड को सेव बटन पे क्लिक करके सेव कर देना है। जैसे ही आप इसे सेव करेंगे, हमारा कोड उस फाइल में .html जो भी फाइल हम क्रिएट करेंगे उसमें सेव हो जाएगा। अब सेव करने के बाद आपको पता है आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर आपके फ़ोन में ये फाइल कहाँ पे सेव हो रही है, यानी कि इस फाइल का लोकेशन क्या है, आप अपने डिवाइस के हिसाब से ओपन कर सकते हैं। मेरा तो यहाँ पे सेव है, जिसको मैं यहाँ पे सर्च करूँगी CULT calculate.html। ठीक है, जिस फाइल में हम अभी अभी कोड अपना पेस्ट किए थे ना, लिखे थे, उसी फाइल को हम अभी ओपन करेंगे। तो ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे हम फाइल का नाम .html दिए हैं, इसीलिए हमारे पास से ऑप्शन आ रहा है कि हम इसे क्या ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। अगर हम इस फाइल का एक्सटेंशन .html नहीं देते हैं, तो ये बाई डिफ़ॉल्ट वापस से नोटपैड में ही, या नोटपैड प्लस प्लस या जिस भी एडिटर में आपने कोड लिख रखा है उसी में ओपन होता है। इसीलिए हम जब कभी HTML फाइल में काम करेंगे, या HTML अगर फाइल हम क्रिएट करेंगे, तो इसका एक्सटेंशन हम मेंशन कर देंगे .html। ठीक है, अब हम इस फाइल को ओपन करेंगे क्रोम में, तो देखिए हमारा ये जो कोड था, ये एक कैलकुलेटर ड्रॉ कर दिया है, कैलकुलेटर बन गया हमारा। अब चलिए देखते हैं ये कैलकुलेटर फंक्शन वाइज काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अब इसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं ऐड करके, 1 2 प्लस 4 एंड इक्वल टू देखिए 16। तो हमारा ये कैलकुलेटर फंक्शन वाइज भी काम कर रहा है, और जैसा कि हमारा जो HTML में डिज़ाइन हमने किया है वो डिज़ाइन भी काम कर रहा है। आप चाहें तो HTML कोड को और भी अच्छे से कलर, पैडिंग या जो कुछ भी आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं इस कोड पे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये HTML का कोड अच्छा लगा हो, अगर आपको ये कैलकुलेटर अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। थैंक यू।